अगर आपके पास कोई भी सेविंग अकाउंट है, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हो या फिर कोई अदर बैंक का हो, तब भी आपके मैसेज में आ रहा होगा एक इस तरीके का मैसेज कि आपके अकाउंट से 436 रुपया कट हो चुका है। या फिर आपके पास एक और मैसेज आया होगा जो कि 20 रुपये का होगा, एक तो 436 और एक 20। सबसे पहली बात तो जब आपको ये मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से 436 रुपया या फिर 20 रुपया कट हो गया है, वहाँ पर कोई नरेशन नहीं होता कि आपका इसलिए कटा होगा या फिर इसकी वजह से कटा होगा, वहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं है। इवन जब भी आप अपने पासबुक को अपडेट करते हैं तब भी वहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होता, बैंक जाकर ही आपको पता चलता है। तो अभी आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सारा डिटेल्स समझा देता हूँ, उसके बाद आप कैसे रिफंड करेंगे उसका भी प्रोसेस बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करेंगे 436 रुपये का ये क्यों कटा। दरअसल ये है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, आपके नाम पर एक्टिवेटेड है, इसीलिए हर साल ये कटता है प्रीमियम। आपको ये सुविधा दिया जाता है बैंक की तरफ से, यानी कि सरकार की तरफ से बैंक को टारगेट मिलता है और बैंक जो है ऑटोमेटिकली काटता रहता है सभी कस्टमर के खाते से, ताकि आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आपके घर वालों को वो लाभ मिल सके। तो 436 रुपये ही क्यों? क्योंकि ये फिक्स हुआ है ऑलरेडी ही, गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स्ड है और आपने इससे पहले एक्टिवेट किया है बोल के ये पैसा कट रहा है। लेकिन अगर आपने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना नहीं कराए थे तब आपका नहीं कटेगा पैसा। अब मेन बात है, आप यहाँ पर 436 रुपये को अगर आपको वापस लाना है तो कैसे लेंगे? तो मेरे हिसाब से अगर आपको वापस लेना है तो अभी मत लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा फ़ायदा आपको होगा। तो फ़ायदा क्या है बताने से पहले 20 रुपीज़ के बारे में बात करते हैं। तो 20 रुपीज़ भी आपको इसी के ज़रिए कटा है इंश्योरेंस का, वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो कि एक्सीडेंटल पर कवर करता है। तो ये दोनों को आपको रिफंड नहीं करना है। अगर करना चाहते हैं तो आप अभी के लिए 400 या फिर 500 रुपया आपको मिल जाएगा, लेकिन बाद में आप जब बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। तो 20 रुपीज़ जो कटता है ये भी आपका एक स्कीम है, ये भी इंश्योरेंस है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो कि PMJJBY है। जितना भी जो भी इंश्योरेंस कंपनी वगैरह हैं आपको इतने कम प्राइस में मेरे हिसाब से इतना बड़ा फ़ायदा नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर 436 रुपये आप हर साल देते हैं, इसका मतलब ये नहीं आपका कुछ बढ़ा जाता है। 436 रुपये आप देते हैं, लेकिन अगर आपका कुछ होता है 18 साल से लेकर 50 साल के अंदर आपका कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपके घर वालों को 2 लाख रुपए तक का कैश मिलता है। इंडिया का जितना भी बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनी क्यों ना हो, इतना कम प्राइस में इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं देते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर जो पैसा कटता है ये हर साल मई से लेकर जून तक कटता है, फर्स्ट मई से लेकर लास्ट जून के अंदर कट जाता है। तो इसका एलिजिबिलिटी यह है 18 साल से लेकर 50 साल के अंदर कुछ होता है तो पैसा मिलता है, और वो भी 2 लाख रुपए का। 436 रुपया भले ही आपका हर साल कटा हुआ, लेकिन 2 लाख रुपये आपको मिल जाता है। इसके बाद है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये एक्सीडेंटल कवर है। आपको एक्सीडेंट होता है, जैसे कि आप फुल एक्सीडेंट हो जाते हो, डेथ हो जाता है, तो घर वाले को 2 लाख रुपये मिलता है। अभी PMJJBY और इसमें फ़र्क क्या है? लेकिन यहाँ पर 436 कट रहा है फिर भी 2 लाख मिल रहा है, यहाँ पर 20 रुपये कट रहा है फिर भी 2 लाख मिल रहा है। बट यहाँ पर समझने वाली बात है कि अगर आपका 436 रुपया कट रहा है तो वो नॉर्मल डेथ में भी आपको, मतलब जैसे नेचुरल डेथ होता है नॉर्मली, वहाँ पर भी आपको पैसा मिलता है, लेकिन 18 साल से 50 साल के अंदर के बीच में ही। इसके अलावा अगर आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ में ही आपको 2 लाख रुपये मिलेगा। अगर एक्सीडेंट में अपना एक हाथ, मतलब 50% आपका कुछ डैमेज हो गया हो, जैसे कि आपका आँख एक चला गया हो, हाथ एक कट गया हो, पैर एक कट गया हो, तो आपको 1 लाख रुपीज मिलेगा, आपको ही मिलेगा क्योंकि आप तो ज़िंदा हो गए। तो इस तरीके से आपका ये पैसा कटा है। अगर आपको फिर भी रिटर्न चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मेरे हिसाब से तो कोई कमेंट नहीं करेंगे, तो मेरे हिसाब से आपको रिफंड लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको रिफंड चाहिए तो कौन सा स्टेट से है आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और आपको इस बीच कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर इसके रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं, साथ ही इंस्टाग्राम पर भी हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं।